अस्सलाम वालेकुम वर्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो को हमारा टॉपिक है क्रॉस सेक्शन में जो मटेरियल वॉल्यूम टेबल हम ऐड करते हैं वो कैसे कर सकते हैं। ये हमारी ड्राइंग है, ये हमारा क्रॉस सेक्शन व्यू है और ये हमारी असेंबली है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन व्यू आप देख सकते हैं। इस क्रॉस सेक्शन व्यू में यहाँ पे हम टेबल कैसे ऐड कर सकते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन को व्यू में मैंने सेट कर लिया है। किसी भी क्रॉस सेक्शन को आप सेलेक्ट करें तो यहाँ पे रिबन अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे आपने व्यू ग्रुप प्रॉपर्टी में जाना है। यहाँ पे ये चेंज वॉल्यूम टेबल की एक ऑप्शन है। यहाँ पे बाई डिफॉल्ट जो है वो बेसिक है। हम इसको एज इट इज करके देखते हैं पहले कि इसमें ये कैसे आता है। मैं यहाँ पे जस्ट इसको ऐड करता हूँ। जैसे ही ऐड पे क्लिक करते हैं जो मटेरियल हमने कंप्यूट किए थे सारे मटेरियल इस लिस्ट में शो हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा एस्फाल्टिक वेयरिंग कोर्स था, एस्फाल्टिक बेस कोर्स है, एग्रीगेट बेस कोर्स, ग्रेनुलर सब बेस कोर्स, वर्ज का मटेरियल है, और ये जो कंक्रीट की एक लेयर हमने मीडियन के ऊपर कैलकुलेट की थी वो है, और उसके बाद मीडियन का फिलिंग लेयर है, उसके बाद कैट और फिल है। ओके, मैंने इसको ऐड कर दिया है। यहाँ पे इसका स्टाइल जो है वो अभी बेसिक है, और यहाँ पे इसकी पोजिशन है कि आपको ये क्रॉस सेक्शन व्यू में कहाँ पे चाहिए। तो मैं इसको टॉप राइट में जो है वो असाइन कर रहा हूँ, आपको जहाँ पे भी रिक्वायर्ड हो आप कर सकते हैं। और ये टेबल आपके एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कट और फिल का आप सेपरेट भी कर सकते हैं। और मैंने इसको मटेरियल में कैलकुलेट किया है इसलिए मेरा ये इसी में आ रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में आपको हॉरिजॉन्टल में चाहिए या वर्टिकल में चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल में मैं इसको कर रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल में जैसे ये है जो व्यू में नज़र आ रहा है आपको कि अगर मैं दो टेबल साइन करूंगा तो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल आएंगे, और अगर मैं इसको वर्टिकल सेट करूंगा तो ये एक दूसरे के ऊपर नीचे आएंगे। तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर रहा हूँ, मैं जस्ट इसको अप्लाई करता हूँ और ओके करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मटेरियल टेबल हमारा सेक्शन में ऐड हो गया है, मगर ये बहुत ही एरेटिक है। ठीक है, एक दफा मैं इसका सेक्शन को सिलेक्ट करके मैं इसको अपडेट ग्रुप प्रॉपर्टी करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेक्शन व्यू का साइज जो है वो छोटा है और टेबल का साइज जो है वो बड़ा है। तो हमने इसको अपने हिसाब से ऐसे वो साइज देना है जिसमें हमारा ये क्रॉस सेक्शन के अंदर फिट आ जाए। तो मैं इसको साइज असाइन करता हूँ। यहाँ पे आप किसी भी टेबल को सिलेक्ट करें, यहाँ पे प्रॉपर्टी में चले जाएं, यहाँ पे टेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ पे ये बेसिक है, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करंट सिलेक्शन, और यहाँ पे आप इसको कोई भी नाम दे लें। मैं इसको डेमो टेबल का नाम दे देता हूँ, और यहाँ पे टेबल प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी साइज जो है इसको वो असाइन कर सकते हैं। मैं इसको 1.25 रख रहा हूँ। ओके, आप इसको कम ज़्यादा करके अपने हिसाब से देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे ये जो स्टाइल वगैरह है वो सारे स्टैंडर्ड हैं इसमें। मैं जस्ट इसको एक दफ़ा अप्लाई करता हूँ और ओके करता हूँ। ओके ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक टेबल जो है वो छोटा सा बन गया है। अभी आप किसी भी क्रॉस सेक्शन व्यू को सेलेक्ट करें, व्यू ग्रुप प्रॉपर्टी में चले जाएं, यहाँ पे टेबल की ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको एक दफ़ा डिलीट कर दें। ओके, ये मैंने डिलीट करके अप्लाई कर दिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ ड्राइंग मॉडल स्पेस से ये डिलीट हो गए। यहाँ पे ये जो अभी हमने डेमो टेबल क्रिएट किया है मैं इसको ऐड करता हूँ। ओके, यहाँ पे सेम लिस्ट हमारे पास अपीयर हो गई है। मैं इसको जस्ट अप्लाई करता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टेबल सारे हमारे जो हैं वो असाइन हो गए हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर ये टेबल आपके पास कुछ अरेटिक पोजिशन में आ रहे हो तो आपने जस्ट क्या करना है, किसी भी एक क्रॉस सेक्शन को सिलेक्ट करना है यहाँ से, और ये जो अपडेट ग्रुप लेआउट है इस पे आपने क्लिक कर देना है, तो ये अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। ओके, अभी इनमें ये जो टेक्स्ट लिखा है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इनके साथ अगर आपका कोई डेसिमल के वैल्यू आपने बढ़ानी है तो वो आप बढ़ा सकते हैं। जैसे ये 2 डेसिमल में आ रहा है, और यहाँ पे एरिया के साथ कोई यूनिट नहीं आ रहा कि इसका यूनिट क्या है, तो ये चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं, या इनका ये जो फॉन्ट स्टाइल है वो कैसे चेंज कर सकते हैं, और इनका कलर वगैरह कैसे चेंज कर सकते हैं वो भी हम देखते हैं इसमें। यहाँ पे आपने सेम टेबल प्रॉपर्टी के इसको आपने एडिट कर लेना है, सेम टेबल है, यहाँ पे आपने आ जाना है। जैसे यहाँ पे एरिया है और इसको एरिया के साथ मुझे मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर चाहिए। ओके, यहाँ पे मैंने इसको
ओके, और यहाँ पे मैं इसका जो कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कलर इसका चेंज हो गया है। यहाँ पे ये जो सिंबल का एक टैब बना है, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे अदर में चले जाना है। अदर में यहाँ पे ये जो स्केयर का सिंबल है इसको आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने इसको कॉपी कर देना है। ओके, कॉपी हो गया, क्लोज हो गया, और यहाँ पे एम के बाद आपने क्लिक करके इसको कंट्रोल वी कर देना है। तो यहाँ पे ये आ गया है, आप लोग देख सकते हैं। ओके, और यहाँ से आपने इसको जो भी है सेलेक्ट करके इसको आपने जस्ट ओके करना है। इसके बाद हमारे पास ये मटेरियल नेम था, मटेरियल नेम में भी हमने इसका कलर चेंज करना है। यहाँ पे हमें ये हेडिंग में चाहिए, ये सारे हमारे हेडिंग्स हैं। यहाँ पे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में भी हमें सेम चाहिए। ओके, मीटर क्यूब में है ये, पहले हमने मीटर स्क्वेयर में किया था, अभी हमने क्यूब का सिंबल इसमें लेना है। यहाँ पे आपने अदर में जाना है और यहाँ पे ये जो मीटर क्यूब का 3 जो लिखा हुआ है इसको आपने जस्ट कॉपी करना है। इसको आपने यहाँ से क्लोज कर देना है। एम के बाद आपने क्लिक करके यहाँ पे आपने कंट्रोल वी प्रेस करना है, एक दफा बैक स्पेस करना है। ओके, और इसको सेट करके आपने यहाँ पे ये सेलेक्ट कर देना है। इसी तरह आपने यहाँ पे आ जाना है। अगर यहाँ पे भी आपको सिंबल ये चाहिए, मैं जस्ट इसको CUM लिख रहा हूँ। ओके, और वॉल्यूम को मैं जस्ट VOL जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ डॉट, और यहाँ पे मैंने इसको ये ब्रैकेट लगा दिए हैं। यहाँ M के बाद मैं क्लिक करता हूँ सिंबल। ओके, और यहाँ पे ऑलरेडी हमने इसको कॉपी किया था, देखते हैं ये इसमें है या नहीं। तो ये इसमें अभी तक क्लिपबोर्ड में थी वैल्यू। ओके, और यहाँ पे आपने इसको येलो कर देना है और यहाँ से आपने इसको कर फॉन्ट आप कोई भी इसमें रख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करके इसका फॉन्ट रख सकते हैं। मैं जस्ट जो बाई डिफॉल्ट आ रहा है मैंने उसी को एक्सेप्ट किया है और मैं इसको अप्लाई करता हूँ। ओके करता हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है कलर भी हमारा चेंज हो गया टेक्स्ट का, और इसके साथ ये जो यूनिट है वो भी आ गए हैं। अभी ये जो टेबल है ये थोड़ा राइटक पोजिशन में चला गया है। ठीक है, मैं जस्ट इसको किसी एक क्रॉस सेक्शन को सिलेक्ट करके मैं इसमें व्यू अपडेट ग्रुप लेआउट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरा जो है अपडेट होके अपने पोजीशन में आ गया। इसी तरह ये जो है आप कोई भी इसमें जो है वो टेक्स्ट का साइज और स्टाइल वगैरह जो है वो कर सकते हैं। जैसे इसमें हमने डेसिमल का भी देखना था तो मैं इसको जस्ट एक को सिलेक्ट करता हूँ और व्यू ग्रुप प्रॉपर्टी में मैं इसको एडिट पोजीशन में जाता हूँ। यहाँ पे ये जो मटेरियल एरिया है इसमें मैं ओके क्लिक करता हूँ। यहाँ पे से आप इसको डेसिमल जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। मैं इसको ओके करता हूँ। ओके, यहाँ पे वॉल्यूम जो है इसको भी आप जैसे ही सिलेक्ट करें और इसके ऑप्शन जो भी हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, यहाँ फॉर्मेटिंग से आप इसकी लेयर सॉरी फॉन्ट और कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इसके भी मैं डेसिमल 3 कर देता हूँ। ओके, अप्लाई। ओके, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि हमारे डेसिमल जो है वो 3 आ गए हैं यहाँ पे। ओके, और जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड थी वो हमने बड़े इजीली बना ली है। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।